है। yeah, yeah, yeah. <laughs> कि आपका अगर फुल फिल्मी देखे, तो आपके गाने सुपर हिट रहे अगर राजेश खन्ना के बाद रोमांटिक गानों की बात करें तो बात आपके गाने जब आप एक्शन और हॉरर की तरफ गए ना तो वो चीज हम लोग मिस कर रहे हैं तो इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ की आप मिस नहीं करेंगे Okay. यहाँ आपको लगेगा कि यार अच्छा किया इन लोगों ने गाने नहीं डाले नहीं हम लोग लगेगा कि यार मजा शायद खत्म किर -किरा हो, 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 हो जाता अच्छा। गानों के लिए एट मोमेंट आप लुट गए एंजॉय कीजिए ओके okay. यूट्यूब पे मिलेगा आपको अच्छा अच्छा साबन पे भी डाउनलोड कर सकती हैं आगे से लेकिन आप जरा ध्यान एक म्यूजिकल हॉरर फिल्म बनाऊंगा मैं अगले साल यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दो साल का विड्रॉल था वैंकफुल वीर बैक सो दिस अ वेरी स्पेशल इवनिंग आई थिंक इतने हॉर फिल्म बना के ना मैं आई सींग थिंग नाउ सो आई थिंक आई बिकम अ बिलीवर एंड जय ऑलो मेड मी अलीवर बट आप ये पूछ रही है कि भूतों को लेकर मुझे विश्वास है कि नहीं होता तो ऐसी फिल्में नहीं बनाता मैं आई वुड से बिट फिफ्टी फिफ्टी आई एम नॉट एरिंग इट नफ टू सेट गोस्ट डोंट एग्जिस्ट Because I don't know. Uh, it's uh, when you, the age old thing that if you've not seen it, doesn't mean it doesn't exist. Um, I hope they exist for the sake of my films. <laughs> so I, um, yeah, I'm, I'm kind of torn. I'm, I'm a little skeptical. At the same time, I want to be a believer. But till then, till we find out if ghosts exist, we'll enjoy yeah. films like the book. You can enjoy ghosts in your living room. गोले की निकिता आप दोनों से मेरा सवाल है कि बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो आप दोनों के साथ जब मतलब तो लगा हो कि भूत हो या फिर वाकई में भूत को देखा हो जी मेरे साथ हुआ है जब इन्होंने कहा कि पूछा कि क्या मैंने भूत देखा है मैंने एक्चुअली देखा नहीं सुना है जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मॉम एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थी और वो मुझे चर्च लेके गई थी एक सर्मिन के लिए और उस दिन फॉर सम रीज़न सर्मन नहीं हो पाया uh, हमें बताया गया था बाहर की अंदर एक एक्सरसिजम परफॉर्म हो रहा था जो प्रीस्ट हैं उस चर्च के जो हेड प्रीस्ट हैं एक एक्सरसिजम परफॉर्म कर रहे हैं आई थिंक मैं सात या आठ साल का हूँगा तभी और मुझे आज भी वो आवाज़ याद है मैं ये नहीं कह सकता हूँ दावे से कि वो आदमी था या औरत थी लेकिन बहुत ही डरावनी आवाज़ थी इट वॉज पर्सन इन पेन अभी लॉजिकली साइंटिफिकली आप कह सकते हैं कि ये यू नो क्या ये क्या मजाक है ये प्रॉब्लली इट इज़ समरेंज माइंड और फ्रैक्चर माइंड और जो भी लेकिन एक्सरसिजम्स होते हैं और ये एक तरह से एक बहुत ही डीप इम्प्रिंट छोड़ गया है उस उम्र से तो मैंने हमेशा इसलिए जब इन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि यू नो आई ऑसलेट बिटवीन स्केप्टिसिज्म और बिलीफ um, मैंने असलियत में कभी भूत देखा नहीं है देखना चाहता हूँ आई डेफिनेटली वॉन्ट टू आई एम अ मेजर हॉर फिल्म फ्रीक एंड आई ऑल्सो गोस्ट हंटिंग ट्रिप वो बड़ा इंटरेस्टिंग था रात को 12 बजे से ले कर चार बजे तक कुछ दिखा नहीं वहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली uh, ये गोवा में राइट डाउन इन द साउथ ऑफ़ गोवा एक डिलेपिटेट होटल uh, है कुछ तीस या चालीस साल पुराना होटल है तो एक एक्चुअली एक इंटीग्रेशन था उस वक्त एक प्रमोशनल का इंटीग्रेशन था वी वा एज कंटेस्टें द एक्टर्स तो हमें एक बैकपैक दिया गया था दो कैमरा थे एक फर्स्ट पर्सन शूट कर रहा था और एक हमारा रिएक्शन शूट कर रहा था और हम सबको विसल्स दिए गए थे किसी को भी डर लगे तो कैमरा क्रू एक किलोमीटर दूर है आप विसल <laughs> सीटी बजा दो उनको दस मिनट लगेंगे आने के लिए <laughs> तो द सिचुएशन वॉज वेरी स्केरी और मैं क्या अभी तो मैं फंस गया था ना हीरो हूँ <laughs> तो ऐसा ऐसा <laughs> <laughs> तो, तो नहीं लग सकता ना कि मैं मेरी फट रही है वहाँ पे <laughs> <laughs> तो मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे ऑब्वियसली आई हैड टू प्ले द हीरो सो बट इट वाज द स्केरियरियस एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ वो जो चार घंटे थे मेरे इट वाज क्वाइट हेल बट आई डिट सी एनीथिंग आई डिड सी समथिंग दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी मगर वो भूत नहीं था uh, uh, yeah. so, इमरान ने तो बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो हुए हैं uh, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है मैंने सुना बहुत है बहुत सी कहानियाँ सुनी है लोगों से जिन्होंने फर्स्ट हैंड ऐसी चीजें देखी हैं बट आई नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट माई सेल्फ Uh, उसके बावजूद भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर है इस चीज़ को लेकर बिना देखे हुए बहुत डर है आई थिंक दैट्स वन ऑफ़ द रीज़न्स मैं हॉर फिल्म से इतना ज़्यादा डरती हूँ हाई uh, बच्चन साहब हो या फिर संजीव कुमार साहब हो भूत बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री ने देखे हैं मैं थोड़ा अलग विचार रखती हूँ आपके सोच से mm. सबसे ज़्यादा किस भूत ने आपको बचपन में डराया इम्प्रेस किया या फिर कौन सा भूत बड़ा ही क्यूट लगा है